हाय गाइस, हम सब आ गए अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने। मम्मी, भाभी और मेरी फैमिली, ये हमारी पुरानी गाड़ी, हम लेने आए हैं XUV 700। और हम इस वाली गाड़ी में आ भी नहीं पा रहे थे, जिस गाड़ी को हम ले रहे हैं उसमें हम सभी अच्छे से छोटी गाड़ी में जाएंगे खुले खुले। गाइस, हमने स्पेशली VIP नंबर भी लिया है, जो कि 50,000 रुपीज़ का पड़ा हमें, 2300 नंबर, और बाकी नंबर प्लेट अभी आएगी बाद में। अभी फिलहाल गाड़ी की डिलीवरी मिलेगी। यो यो यो, हम सबके सब, हम सबके सब इस छोटी गाड़ी में आए हैं। अभी हम छोटी गाड़ी में आए हुए, देख सकते हो हमारे पास होंडा अमेज है। अब हम यहाँ से बड़ी गाड़ी में जाएंगे, इसको यहीं छोड़ जाएंगे हम। मम्मी की ओवर एक्टिंग चेक कर ली। और भाभी, मजा आ रहा है? We all are excited to bring our new car XUV 700. It's like it's really amazing to think about it. See, Mahindra, ये उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन है, यहाँ महिंद्रा पर हम आए हैं गाड़ी लेने। अंदर चलते हैं, मेरे भैया पहले ही पहुँच चुके हैं। Let's go inside. Here is my brother. He is dealing. ये गाइस, हम गाड़ी लेने आए हैं और अभी कवर हटेगा इसका। बहुत ही एक्साइटेड है सबके सब। कैसा ये पूरी गाड़ी अभी कवर है और हम एक्साइटेड है, कैसी होगी गाड़ी अंदर से, कैसी नहीं होगी गाड़ी देखने के लिए सब एक्साइटेड है। गाड़ी हट क्या करो, कवर हटाएंगे सबके सब मिलके। कैसा लगेगा देवेंद्र, गाड़ी अभी देखनी है, सरप्राइज है। ये मजाक के मूड में जहाज तो लिया है, बहुत बड़ा जहाज है, देखो जैसे मजा आ रहा है। हमारी लाल गाड़ी देखते अंदर से कैसी होगी। ये है हम SUV गाड़ी के साथ सबके सब। गाइस, इतने पहले पेमेंट करने के बाद में भी गाड़ी की चाबी अभी तक अभी हमें दी नहीं गई है, देख लो। ये देखिए XUV 700, 2300 नंबर लिया है इन्होंने, 50,000 बताया था देवेंद्र चला लिया। और अभी भैया बता रहे थे कि अराउंड 10 जैन को ये इसका प्राइस भी इंक्रीज़ हो चुका है, 90,000 अराउंड इसका इंक्रीज़ हो चुका है प्राइस, तो हमें 90,000 लेस में पड़ी है। इसके प्राइस वाइज सब डिटेल्स अभी शेयर करेंगे। गाड़ी देखिए कितनी लग्जरियस है, कितनी ठीक है, बहुत ही प्यारी लग रही है। अच्छा, बीच बीच के अंदर मैं ब्लॉक के अंदर आ रहा हूँ, अभी तक मैंने गाड़ी क्या नाम है रोड पर चलती हुई देखी, पर किस्मत की बात देखो, अपनी खरीदी हुई गाड़ी हम अपने सामने पहली बार देख रहे हैं एक्चुअली। और ये गाड़ी ओपन हो गई है, लेट मी शो यू फ्रॉम दी सी लग्जूरियस। देव, हाउ इट फील्स? पूछो मत, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मैं को ऐसा लग रहा है मैं महल के अंदर बैठ गया, मतलब गाड़ी में भी महल आने लग गया आजकल। रियली फील देखो, ये डिस्प्ले देखिए आप, और यू नीचे ये देखो क्या, ये सीट ऊपर नीचे हो रही है। ओ वाओ, मनन मनन ये देखो, ये सर लेटो, मनन साइड टो करो, कर दोबारा कर, ओए होए वाह, फुल फील, फुल मतलब इनको मजा आ रहा है। पीछे से भी दिखाते हैं, मनन कैसा लग रहा है इसको, ये देखो ऊपर का शटर खोल दे इधर, ऊपर का शटर भी खुलता है, सबसे एक्साइटेड चीज तो मुझे यही लगती है शटर। चाबी नहीं है, ये देखिए आप इसके अंदर की पूरा एरिया, ये पीछे की सीटिंग है हाँ, जहाँ बुआ बैठेगी और दादी, और ये
मनन कैसा लग रहा है? बढ़िया। देव अभी मैं सनरूफ खोलना चाह रहा हूँ, और ये मान लो इतनी पहले पेमेंट देने के बाद में चाबी भी लेट पकड़ाई है। तो दी नहीं है, सिर्फ खोल के दी है। ओके। ये आगे मेरे भैया, लेट मी इंट्रोड्यूस माय ब्रदर हु परचेज दिस कार। यस, हियर इज ही परचेज दिस न्यू कार। हाउ इट फील्स? सपने सच होते हुए, सपने सच होते हुए, रियली ड्रीम्स कम ट्रू। मम्मी मेरा डायलॉग चिप रहे हैं, महल के अंदर बैठ गया। ड्रीम्स सच्ची में पूरे होते हैं, या आज इन्होंने पूरा करके दिखाए हैं। दोस्तों फिर बता रहा हूँ, पूरी पेमेंट लेने के बाद में भी गाड़ी की चाबी नहीं। ये थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए, नाराजगी दिखाते हुए देखिए ये पीछे की टिक्की का एरिया, टूल्स वगैरह, XUV 700। ये तो ऑटोमेटिक होगी पीछे का, ठीक है, बटन। गाइस रियली ड्रीम कम ट्रू। बहुत ही अच्छी फील आ रही है, मतलब जैसे लग्जरियस कार। पहले तो कार लेना एक ड्रीम होता था, और कार लेने के बाद उसके बाद एक लग्जरी कार भी लेना एक ड्रीम कम ट्रू होता है। देवेंद्र कितने अराउंड पड़ी है ये? हैं कितने की पड़ी है ये? कितने की पड़ी? 25 लाख। रियली वर्थ इट। आप एक बार इंटीरियर चेक कीजिए, बहुत ही प्यारा है, मतलब फील एक नंबर। वाओ, देखिए आप, जैसे देवेंद्र बता रहा था, इसके ऊपर नीचे सीट रहेगी कंफर्टेबल। ये है साइड मिरर का ऑन ऑफ करने के लिए। साइड मिरर तो ऑटोमेटिक फोल्ड ऑन फोल्ड है ना, लॉक भी हो जाएंगे, लेकिन क्या जैसे आप अंदर बैठे हो, हाँ ठीक है, हाँ इनके आपको बंद करना पड़ा। हाँ, तो इग्निशन ऑन कर लो, बिना ब्रेक दबाए बटन दबा देना, बिना ब्रेक। बस ये जैसे ये बंद हो गया, यहाँ बटन सेव कर सकते हो। इसको एडजस्ट आपको करना है, ये एज ए जो है कि आप इसको जॉयस्टिक के तरह इसको करके करोगे तो राइट एडजस्ट होगा, बीच में न्यूट्रल रहेगा, लेफ्ट घुमाए तो लेफ्ट एडजस्ट, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये चीज़ है, इसको बीच में रखो। स्टेयरिंग टिल्ट है, ऊपर एडजस्ट कर सकते हो, सीट का आपने देख लिया। ये क्लस्टर मीटर है, क्लस्टर मीटर का सारा यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आएगा मेन्यू, यहाँ से जो भी आप देखना चाहते हैं, जैसे सेटिंग है, सेटिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, या ये अलर्ट हिस्ट्री है, अलर्ट हिस्ट्री में आपको दिखाएगा गाड़ी की सर्विस वगैरह है, किसी टायर प्रेशर वगैरह, वो सारी चीज़ें दिखाएगा। ठीक है, ये ड्राइव इन्फॉर्मेशन वगैरह, हाँ एक्टिव है। अब ये जैसे ड्राइव असिस्टेंस लेवल, हाँ ये अब ये इसमें एक्टिव है, लेकिन वो है ना 30-40 की स्पीड के ऊपर ये एक्टिव होगा। सबसे बार हम सोचते हैं जैसे गाड़ी खड़ी है या स्लो चल रही है तो उसमें होगा, या सामने कोई गाड़ी कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिव है और वैसे जा रहे तो नहीं होगा, वो एकदम मतलब पैनिक सिचुएशन में काम करेगा। जैसे आपकी गाड़ी 35-40 की स्पीड में चल रही है और एकदम आगे कोई भैंस कुत्ता या कोई बच्चा कुछ भी आ गया तो वो काम करेगा, ठीक है। तो वो अभी एक्टिव है, ठीक है, इसमें जाके आप उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये है, ये सेटिंग है, आप क्या कर सकते हैं, ये इसका ये ड्राइव असिस्ट है, ये यही चीज़ है, हाँ ये देखिए, ये इसका सारी चीज़ें ऑन है, ठीक है। ऑटो, इसको रीसेट वगैरह कर सकते हैं आप, ये ऑफ है अभी, आफ्टर इग्निशन का होगा ना दरवाजा खोल, और ऐसे ही क्या नाम है, आप फिर इसमें जाओगे, ये नीचे पैसेंजर एयर बैग है, इसको ऑन ऑफ करना है,
ये ड्रोनस डिस्पैच है, इसमें है हाई स्कोर आप ऑन कर सकते हो। इसमें ये होता है कि जैसे अगर गाड़ी चलाते टाइम आपको नींद आ रही है तो उसमें ये अलार्म देगी आपको, अगर ये 15 मिनट तक अलार्म देगी, अगर 15 मिनट के नहीं मतलब वो करते हैं तो वो गाड़ी बंद हो जाएगी। हाँ ये ऑटो लोन है, ये इसमें मतलब अपने आप सारा वो होगा फंक्शन। ये टायर व्हील असिस्ट, ये इसको भी ओके कर दो, ये सारी चीज़ें ओके हो रही है। क्लॉक टाइप, ये जो है आपको एनालॉग चाहिए है या डिजिटल चाहिए है, अभी डिजिटल है इसमें, अगर एनालॉग करोगे तो वो घड़ी वाला डायल वाला आ जाएगा, इसको डिजिटली रहने देते हैं। ये ऐसे और फिर ये डिस्प्ले लेआउट, ये यहाँ का ना आप चेंज कर सकते हैं इसमें, अभी जैसे ये है नॉर्मल है, इसको चेंज कर देंगे तो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये फोन है इसे आप ब्लूटूथ वगैरह वो सारी कर सकते हैं, कर लीजिए ट्राई। और अलेक्सा कर लीजिए, गाड़ी के बाहर ही मरन कैसा लग रहा है? मैं बैठी था, मैं बैठूंगा इधर, तू इधर बैठी थी। कहाँ पर? इधर। मजा आ रहा है? हाँ। स्पोर्ट कोट लेके क्या? हेलो। कोई दिशा नहीं है। जितना जाए बच्ची बोलो मनन। हाँ जी, वो आपके पीछे आपकी गाड़ी और आप यहाँ बैठे, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो देवेंद्र बाहर निकल गया। मेरे पति का सपना हो चुका है, इस गाड़ी का भी, आगे घर का भी पूरा हो जाएगा जल्दी, वो भी आपको दिखाएंगे। यस, कमिंग सून, बताना कैसी लगी और कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है थैंक यू। ये हो गई हमारी गाड़ी स्टार्ट घर जाने के लिए। टाटा बाय बाय महिंद्रा शोरूम, नाउ वेलकम टू माय होम, शुरू हो गई है। बाकी गाड़ी अगर टच हो जाती होगी फिर तार हो गई, कोई गाड़ी नहीं टच, कोई नहीं होते टच। चलो बेटा चलते, चलो चलो भाई चलते हैं। चलो चलते हैं हम गाड़ी में, बाय बाय टाटा टू महिंद्रा एंड वेलकम टू बैठिंग, कहीं पे ही बैठो। भाभी और ये हम सबके सब बैठ गए हैं, सबको इतनी देखो मैं तो ऊपर खड़ी हूं, ये ऊपर खड़ी है मम्मी, ये मजे लेते हुए।
बहुत ही मजा आ रहा है इनको फील करते हुए पूरी। कैसे लग रहा मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, तमन्ना पूरी होगी, मैं बहुत खुश हूँ। चलो बहुत बढ़िया है। और ये भैया जी बैठ गए हैं, सब पीछे क्यों नहीं बैठ रहे? सब के सब यहाँ पे सेट हो गए हैं। देव खड़ा है, हमारी दूसरी गाड़ी लेके जाएगा वो। लेकिन ये हम क्या कैसे कर लियो जी? चलो भाई, जय माता दी, जय माता दी। प्लीज प्लीज चलो। अलेक्सा मम्मी आप पीछे, अलेक्सा मनन करो ऊपर। सारी सिस्टम तो उड़ गए, सारी सिस्टम कैसे लग रहा है बाबा? सारी सिस्टम, सारी सिस्टम के उड़ गए बाबा, सारी सिस्टम के उड़ गए। बाय देविंदर, बाय बाबू, तू भी आ जा वहां से जल्दी से। कहां पे है? मास वास लगा लेना भाई, ठीक है? निकल गई है गाड़ी। पीछे बैठ जाना बेटा, पीछे वो है बैठने के लिए। देखो मैं हवा में उड़ रहा हूँ अभी, इतनी ठंड में वो भी मजा आ रहा है। मेरे बाल भी उड़ रहे होंगे। अरे अलेक्सा को बोलो, पुलिस वाले पता क्या बोलो? अलेक्सा, अलेक्सा सॉन्ग, अलेक्सा सॉन्ग। ये कौन? ओ भाई गिर जाएगा। नहीं नहीं ऐसे पकड़ ले बुआ, आप सही पकड़ो, ऐसे ही सब दिख रहा है। अरे मैं तेरे को रुक जा, ये बहुत मजा आ रहा है। अदर फीलिंग, अदर लेवल फीलिंग। मनन कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो गाइज हम आ गए हैं मंदिर, विष्णु मंदिर हमारे नियर है, जो यहाँ पे हम पूजा करवाएंगे पूजा से पंडित जी से, जो हमारे फैमिली पंडित है। अभी आएंगे पूजा करने। ये कनिष्क, मेरी बड़ी दीदी, छोटी दीदी, ये छोटा बेबी, ये जागृत, ये हमारा जो न्यू बॉर्न बेबी हुआ है अभी 2 मंथ कंप्लीटेड, और प्रताशी बड़ी दीदी, कनिष्क, मनन, सॉरी भाभी युविका, और ये भाभी, मतलब जय, वाओ, जय कर रही है। और ये गाड़ी एडजस्ट हो रही है पूजा होने के लिए, पंडित जी आ गए हैं एडजस्ट करवा रहे हैं, और अंदर आरती चल रही है। और ये आ गई है गाड़ी पूजा के लिए, गाड़ी बहुत ही मस्त लग रही है, इसकी यहाँ करेंगे पूजा। बस भगवान ऐसे ही बनाए रखे, सबको खुश कर दे, सबको खुश रखे। देखिए, और मेरे पिताजी भी आ गए, देखिए सरप्राइज, केक लाए हम, और एक केक भी लेके आ गया। वाह, भाभी कब से बोल रही केक केक केक। पापा जी, भाभी करने के आया केक, भाभी बोले के सारा सरप्राइज मेरा दो। ये केक काटते हैं।
थोड़ा सा इमोशनल हो गए चलो आ जाओ भैया फटाफट कर लो चाकू ले लो पॉपर ले लेना तू एक मिनट वो कहां चाकू कहां है अरे चाकू कहां है रुको पापा जी भी आ गए केक कटवाने के लिए और ये हमारा केक बिल्कुल रेडी है हां ठीक है ऊपर ले जाएंगे दादी अभी ठीक है दादी चलो चलो अंदर अंदर तू तो बड़ा भी करता है बिल्कुल ये ऐसे बनाओ अच्छा आ जा रुको रुको मेरी पकड़ो चलो पापा जी को भी केक खिला दिया भगवान जी के आगे भी रखना और फिर एक दूसरे को खिला लेना चलो सबके चेहरे पे खुशी।